एक पासे सिख जत्थेबंदियां वल्लों पंजाब विच वापरियां बेअदबी दियां घटनावां दे लई डेरा सिरसा दे मुखी गुरमीत राम रहीम उपर दोष लगाए जा रहे हन, पर दूजे पासे हुण उसे राम रहीम दी रिहाई लई गुरद्वारे विच अरदास कीती जा रही है। घटना बठिंडा दे बीड तलाब दी है, जिथे राम रहीम दी रिहाई लई अरदास कीती गई, उत्थे ही राम रहीम नूं संत दसदे होए राम रहीम नूं होई सज़ा लई सुखबीर बादल दी चाल दस्या। जिक्रयोग है डेरा सच्चा सौदा सिरसा दा मुखी साधवियां दा बलात्कार करन दे दोषां तहत रोहतक दी सुनारिया जेल विच सज़ा कट रहा है। बठिंडा दे पिंड बीड़ तलाब दे सरपंच गुरमेल सिंह खालसा ने पिंड दे गुरद्वारा साहिब पातशाही दसवीं विच अरदास करदे होए जिथे सज़ा जाफ्ता राम रहीम दी रिहाई लई अरदास कीती, उत्थे ही पंजाब विच दलित मुख्यमंत्री बनाउण लई भी अरदास कीती। हाँ जी, वाहे खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम गुरमेल सिंह खालसा। ये जो पिंड की मैं सरपंची की सेवा तीन पिंड कर रहे हैं, तो अज इतने असी सरबत के भले लिए अरदास की है, जिदे असी जो देश के साडे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वालों सुपना लिया भी दलित परिवार के मुख्यमंत्री बनाना, वह सुपना साकार करन दी अरदास की है। तो दूजा जो साडे डॉक्टर राम रहीम जी उस समा पहला सनारिया जेल के जो अरेस्ट हैं, जिन्हों के सुखबीर बादल ने चाल चल चल के बाने के नाल ही फसाया, मोदी साहब नू गलत ये बारे सही जानकारी नहीं दिती, इस करके मैं कहना भी सुखबीर सिंह बादल भी जिवें तू बाने दे विच फसाया ना, तो खालसा संतां नू बाणा पवा के इत्थे इसे गुरद्वारे च लियाऊगा, उहदे सारा पिंड इत्थे इकट्ठा होगा। तो संतां दा जिहड़ा साडे दलित समाज नू बहुत वड्डी देन है। इत्थे भाई मैं अरदास कीती है, किसी के दबाव च नहीं, खालसा किसी के अधीन नहीं। सो साढ़े दसवें पातशाह ने भी किसी समय कहा सी, कहते जिन के कुल वर्ण में कवि सरदारी नहीं, इन्हीं को सरदार बनाऊ। पर इत्थे रजवाड़ा शाही का राज आ गया, 47 तो लैके कला जट ही तो मुख्यमंत्री बनता है। किसी ने दलितों को पूछे नहीं, जिन्हें जिन्हें कि जाते हैं ना रिजर्व सीटा पर, वह श्री बन के रह गए। सो इन बेनतियां प्रवान, तो मैं बेनती करता मेरा दलित समाज भाईचारा कट्ठे हो जाओ भाई, मुख्यमंत्री आप रल मिल के आपके परिवार चुक न बना। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। सो सच्चे पातशाह जिस तरह छेवे जामे दे विच आप जी ने 55 राजा नूं रिहा कराया सी, सो इस तरह कृपा करो जो सुखबीर बादल ने चाला चल के साडे संत डॉक्टर राम रहीम जी नूं कैद करा दिती है सनैरिया जेल दे विच। मारे सी डेरे दे विच जाके देखिया, सानू कोई भी उत्थे माड़ा कम नहीं लग्या। सो कृपा करो ते संतां नूं रिहाई करन दी जो वडियाई आ, ते खालसा जी नूं बख्शो सच्चे पातशाह को मोदी साहब दे सत्ते मेहर भरिया हथ रख के ते संतां दी रिहाई कराओ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦਾਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੱਬ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਓ।